वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। फ्रेंड्स, अगर आप डीडी फ्री डिश के ग्राहक हैं और आप यूट्यूब चैनल पे देखकर अपने डीडी फ्री डिश एंटीना के साथ छेड़खानी कर रहे हैं तो ये छेड़खानी आप लोगों को जेल तक भी पहुंचा सकती है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को एंड तक पक्का देखना, बिकॉज इस वीडियो पे जो इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब के चैनल व्हाट विल हैपन नेक्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे यूट्यूब के चैनल What will happen next को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि डीडी फ्री डिश की सेटिंग पे अगर आप लोग छेड़खानी करते हैं तो आप लोगों को जेल तक जाना पड़ सकता है। बहुत सारे यूट्यूबर लोगों ने अभी रिसेंटली वीडियोस अपलोड किए थे जिसपे कि वो लोग क्या करते हैं, जितने भी सारे यूट्यूबर्स है गाइज, उन लोगों का मेन मोटो है आम पब्लिक से ज्यादा व्यू पाना और ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करना। इस चक्कर में वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बहुत सारे ऐसे इलीगल वेस बता रहे हैं आप लोगों को। वो लोग आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग अपने एंटीना, जो आप लोगों का डीडी फ्री डिश का जो एंटीना है, जो रिसीवर है, उसके आप लोग कोऑर्डिनेशन को चेंज कर दीजिए, उसके फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दीजिए और उसे कनेक्ट कर दीजिए ऐसे सैटेलाइट के साथ जहां पर कि आप लोगों को ज्यादा या फ्री टू ईयर चैनल्स देखने को मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ऐसा कुछ भी एक्टिविटी अगर आप लोग करते हो तो ये एक्टिविटी कानून के खिलाफ है और ये एक्टिविटी आप लोगों को जेल तक पहुंचा सकती है। इनफैक्ट मैं उन सारे यूट्यूबर्स को भी बता दूं कि गाइस, आप लोग अगर ऐसा वीडियो बना रहे हो जिसपे कि आप लोग पब्लिक को कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो जो कि लीगल इंफॉर्मेशन नहीं है गाइस, तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत खतरनाक चीज हो सकती है। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन अगर पब्लिक के साथ शेयर करते हैं यूट्यूब में तो पूरी आप लोग सावधानी बरते कि जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग पब्लिक के साथ शेयर कर रहे हो वो इंफॉर्मेशन पहली बात तो एकदम ऑथेंटिक हो, दूसरी बात यह हो कि उस इंफॉर्मेशन से किसी भी पब्लिक को कुछ भी हार्म नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, एक और बात जो मैं देख रहा हूं यूट्यूब में बहुत चल रहा है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सी डीडी फ्री डिश पे पहले जो चैनल आते थे गाइज, आप लोगों के सोनीपल हो गया, स्टार उत्सव हो गया, इन सारे चैनल्स को आप लोगों के डीडी फ्री डिश से हटा दिया गया है और बहुत सारे यूट्यूबर्स बस इन्हीं के ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि कैसे क्या करके आप लोग सोनीपाल, जी सिनीप्लेक्स और जितने भी पुराने चैनल्स थे उन चैनल्स को आप लोग देख पाए। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, जब तक डीडी फ्री डिश पे ये चैनल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या कि डीडी फ्री डिश इन्हें अप्रोच नहीं करता है तब तक आप लोग इन सारे चैनल्स को बिल्कुल भी डीडी फ्री डिश पे नहीं देख सकते। इसके मतलब कि ये चैनल्स आप लोगों को डीडी फ्री डिश पे अवेलेबल नहीं होगा। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसे जो भी यूट्यूबर्स या जो भी यूट्यूब चैनल जिन्हें आप लोग फॉलो कर रहे हैं जिसपे कि बस आम पब्लिक को, मतलब एक नॉर्मल पब्लिक जो कि अच्छे सीरियल देखना चाहता है, उन लोगों को यूट्यूबर्स मिलके अपने स्वार्थ के लिए बेवकूफ बना रहे हैं, आप लोग इन सारे चैनल से फ्रेंड्स अपने आप को दूर रखिए और खाली उन्हीं चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए जिन चैनल्स पे आप लोगों को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है। और एक और बात, आप लोग अपने डिश टीवी एंटीना के साथ बिल्कुल भी कोई भी छेड़खानी मत कीजिएगा क्योंकि ऐसा करना इलीगल है और आप लोगों को इसके लिए बड़ी सजा भी हो सकती है। फ्रेंड्स, होपफुली जो इंफॉर्मेशन मैंने आज आप लोगों के साथ इस वीडियो
से शेयर किया आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी पक्का से दबा दीजिएगा, ताकि चैनल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहे, क्योंकि ये चैनल पे जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स, वो इंफॉर्मेशन हमेशा 100% ऑथेंटिक होगा। थैंक यू।